दृश्यम टू आपको कैसे लगी और क्या खास लगी इस फिल्म में आपको बातें? फिल्म बहुत ही बढ़िया है, हालांकि पार्ट वन की ये कंटिन्यूशन में कहानी है, पार्ट वन की किरदार है, लेकिन सबसे सरप्राइज पैकेज जो अक्षय खन्ना जी का है, हालांकि अक्षय खन्ना की आंखें है, आंखें और जो फेशियल मसल्स है ना वो बहुत सारा बात करते हैं, तो उसी तरह उन्होंने अपनी एक पुलिस आईजी की जो भूमिका की है वहाँ पर उनके फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए वो इतनी बातें करते हैं कि मेरे ख्याल से सबको पीछे छोड़ जाते हैं। कहानी के जो किरदार है वही है पार्ट वन के ही है, सबने बहुत ही बढ़िया काम किया। अजय देवगन की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस आपको कैसे लगा? टू टाइम नेशनल अवार्ड इन एक एक्टर है, क्या कहें उनके बारे में, बहुत ही बढ़िया, कोई सवाल ही नहीं। लेकिन अजय का अपने फैमिली के प्रति प्रोटेक्शन जो कि बात करके वो करते हैं, वहीं पर अक्षय खन्ना जो है बिना बात के फेशियल से जो उनको टक्कर दे रहे हैं ना एक्सप्रेशन से, बहुत तारीफें काबिल है। पूरी फिल्म में सबसे उम्दा सीन आपको कौन सा लगा? जो लास्ट का क्लाइमैक्स में जो है ना वहाँ पर बॉडी या जो उसके जो मॉडल चेंज हो जाते हैं वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा, हालांकि क्लाइमैक्स बोल सकते हैं, लेकिन एक जो पिता है एक हस्बैंड है अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसका मतलब हर कोई इससे रिलेट करेगा। तो मुझे लगता है हर एक एज ग्रुप के लिए ये फिल्म की कहानी बनी है। गाने है नहीं, एक ही गाना है, लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर है ना वो आपको कहानी को आगे ले जाने में समझने में बिल्कुल मददगार साबित होता है। 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? 3.5 स्टार। दृश्यम 2 आपको कैसे लगी और फिल्म का क्या चीज़ आपको बांध के रखी है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप दृश्यम 2 की बात करें तो दृश्यम 2 एक्चुअली जैसे पार्ट 1 की तरह एक मलयालम फिल्म का रिमेक है, तो अगर आपने मलयालम फिल्म देखी है तो आपको क्योंकि प्लॉट ऑलरेडी पता है आप मूवी को उतना एंजॉय नहीं करोगे, बट अगर आप दृश्यम 2 को एज एन इंडिपेंडेंट मूवी देखते हो तो ये मूवी अमेजिंग है। मतलब इस मूवी में इतने ट्विस्ट और सस्पेंस है कि आप एकदम चौंक जाओगे, स्पेशली इसका जो क्लाइमैक्स है वो अनबिलीवेबल है, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा इतना अमेजिंग क्लाइमैक्स है। और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आप देखोगे कि मूवी में जो एक करप्ट ऑफिसर है गायतोंडे जो पार्ट 1 में भी थे, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। एक सरप्राइज एडिशन इज जिन्होंने आईजी का काम किया अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना इज अमेजिंग, इज डन अ फैंटेस्टिक जॉब। एंड जो फिल्म में ओरिजिनल परफॉर्मर्स है जैसे अजय देवगन हो, श्रिया सरन हो, उनकी दो बेटियाँ हो, सब लोग ने बहुत अच्छा बहुत सुलझा हुआ परफॉर्मेंस दिया हुआ है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक इज गिवन बाई DSP जो देवी श्री प्रसाद इज अ वेरी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर इन द साउथ, तो उन्होंने बहुत अमेजिंग म्यूजिक दिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही थ्रिलिंग है, ओवरऑल मूवी बहुत ही थ्रिलिंग एंड सस्पेंसफुल है एंड इट विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट्स। तो अगर आपने पार्ट 1 एंजॉय किया है तो पार्ट 2 डेफिनेटली एंजॉय करोगे। फिल्म को 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? डेफिनेटली 4.5। दृश्यम 2 आपको कैसे लगी? मुझे दृश्यम 2 बहुत अच्छी लगी, मेरे हिसाब से दैट आई रियली लाइक द फिल्म, द स्क्रीन प्ले, द राइटिंग, द वे द थिंग्स आर प्रेजेंटेड, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द लीड कैरेक्टर्स, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। अजय देवगन की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पहले के मुकाबले कितना ग्रोथ दिख रहा है आपको? जी पहले के मुकाबले कितनी ग्रोथ दिख रही है उनके परफॉर्मेंस में आपको? ग्रोथ अजय देवगन की परफॉर्मेंस में, he's a wonderful performer and there is no growth needed to be seen in his performances in all of his films mostly. I personally feel that he's a wonderful performer and he understands the script, which is why he's even directed a film. So as far as his performances is concerned, I don't quite think there should be any questions as far as that. Film mein jo kahani mein twist dikhaya gaya uske bare mein aap kya kahenge? Wo twist hi puri film hai, matlab वो ट्विस्ट अगर नहीं होती तो शायद फिल्म उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। इट वुड हैव गॉन प्लान्ड वे कि हाँ वो फाइनली पकड़ा गया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को खुद एक कहानी खुद की कहानी ऑलरेडी लिख के ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है। दैट वाज द थॉट इटसेल्फ इज वेरी, आई वुड से कूडोस टू द राइटर और कूडोस टू ओरिजिनल राइटर इज एक्चुअली थॉट अबाउट इट, इसकी जो रीमेक है, बट इट वॉज वंडरफुल। 5 में तो कितने स्टार देना चाहिए? 3.5/5। दृश्यम 2 आपको कैसे लगी, क्या खास लगा फिल्म में आपको? सर मूवी तो बहुत अच्छी है, थ्रिलर में जो 3 चीज़ें होनी चाहिए वो है, पैसा
फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक मूवी में एक टेंशन है जो होनी चाहिए. क्लाइमैक्स ज़बरदस्त है और जो एक एक ड्रामा बोलते हैं आप एलिवेटेड सीन्स वो भी है, सरप्राइज इंटरेस्ट है. सो वो थ्रिलर की सारी क्वालिटीज़ हैं. अजय देवगन और अक्षय खन्ना की जो जोड़ी है वो कैसे लगी ऑन स्क्रीन आपको? दोनों के काफ़ी के सीन साथ में नहीं है लेकिन जो एक सीन है उसमें काफ़ी अच्छे हैं, अलग टाइप का फील आते हैं पूरे मूवी में. और लाइक एक्टिंग वाइज बोले तो आई थिंक अजय टाबू अक्षय फॉर्मी. स्टार कितना देंगे आप 5 में से? फिल्म कैसे लगी आपको? काम में ये आ चुकी है लेकिन अभी से पार्ट तक एज ए डायरेक्टर इतने कामयाब रहे. बैकग्राउंड तो बहुत बढ़िया था, एक्टिंग वाइज तो अजय की आंखें ही सारी कुछ कह देती हैं. और तब्बू पिछली बार भी बहुत दमदार थी, इस बार भी दमदार है. लेकिन जिस तरह से अक्षय खन्ना और जो के बीच फालगांवकर यानी कि अजय देवगन के बीच की जो नोकझोंक और जो एंड है वो बिल्कुल चौंकाता है. बहुत बढ़िया एंड अच्छा इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं अजय देवगन का अगर मैं लार्जर देन लाइफ वाले इस कैरेक्टर में हम सिंपल किसी हीरो को रखते या ऑर्डनरी हीरो को रखते तो फिल्म उसकी नहीं चलती. रेशियम मूवी की मूवी अजय देवगन की फिल्म है और होप जगाती है कि लोगों को थिएटर में खींच कर फिल्म में 5 में से कितना स्टार देंगे आप? 4 दूंगी. फिल्म कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, उम्मीद पर पूरी उतर रही है. इस तरह लोगों को इंतजार था, मेरे ख्याल से इंतजार की जो बेचैनी थी उन्हें देखकर पूरी हो गई. पहली दृश्यम की तुलना में दृश्यम 2 कैसे लगी आपको? पहली फिल्म के मुताबिक दूसरी फिल्म जो है किस तरह से लगी आपको? पहली बेहतर थी कि अभी वाली बेहतर है? हर चीज़ पहली मरतबा तो ज़्यादा अच्छी लगती है. हर मरतबा जब भी उसका सिंपल या हम किसी एक बात को दोबारा करते हैं तो वो मज़ा नहीं होता. लेकिन फिर भी फर्स्ट वाले में जो कन्फ्यूजन या जो सस्पेंस छोड़ा गया था वो अभी यहाँ मुकम्मल हो रहा है. लेकिन ख़त्म होते होते फिर ये इशारा मिल गया है कि तीसरा पार्ट भी आपको देखना होगा, तभी आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो पाएंगे कि दृश्यम है क्या. इनको 5 में से कितना स्टार देंगे आप? 5 में से 4 स्टार देंगे क्योंकि ये क्रिमिनल बड़ा ईमानदार है. एक मिनट, फिल्म कैसे लगी सर आपको? सुपर मस्ट वॉच. क्या खास लगा फिल्म में आपको? सॉरी, फिल्म में क्या खास लगा आपको? सस्पेंस जो एंड तक आपको उठने नहीं देगा, अपनी सीट के ऊपर सीट से उठने के लिए वजह वो सेकंड पार्ट सुपर. 5 में से कितने स्टार देंगे आप इसको? 5 में से 4.5. फिल्म कैसे लगी आपको? क्या खास लगा फिल्म में? फिल्म अच्छी लगी, सस्पेंस फिल्म है और एक मर्डर के ऊपर स्टोरी चल रही है और वो मर्डर किस तरह स्टोरी घूमता है और पुलिस उसके पीछे पड़ी है शक पे, लेकिन वो किस तरह घुमाता है और वो किस तरह एक फिल्म वो खुद ही एक फिल्म राइटर बन गए और ये फैमिली की कनेक्टेड है. कोई लड़के का मर्डर हो जाता है, वो कुछ मस्ती करता है कोई पार्टी में, तो वो फैमिली रिलेटेड है. लेकिन हम अगर सस्पेंस आपको बना देंगे बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा. तो फिल्म देखिए जाके. अजय देवगन और अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत दिन के बाद अक्षय खन्ना आए हैं. वेरी गुड रोल इंस्पेक्टर तब्बू भी है, बट अक्षय और अजय देवगन का अच्छा काम है. और एक फैमिली रिलेटेड स्टोरी है कि अगर फैमिली पे कोई तूफान आता है तो किस तरह फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली कैसा उसको हैंडल करते हैं. यानी सस्पेंस थ्रिलर है सर, काफ़ी डाउपेज है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, ऐसा प्रैक्टिकल होना मुश्किल है लेकिन फिल्म में बताया है.